सुबह की 9 बज रखी है और आप चाय गाल दिए गिलास हम नापा को नहीं सुल्तान भाई गाली है ओ भाई अठिन ब्लॉग देखने लाग रही है और ओ भाई अठिन ब्लॉग देखने लाग रही है कमेंट करने लाग रही है तो थाना भी ये सगड़ा काम करना है पक्का लगेड़ी भी के सुल्तान भाई आपने पार्टी बांधने लाग रही है बहुत बहुत धन्यवाद भाई हेल्प करने का तरह ताकि माटी नहीं लगे चाय पानी पी ली और नालिया तोलिया अभी तोड़ सुख नाश्तो पानी कर लिया और फिर ले वहां पर रवान की और रात ने मैं खट्टर रूप रखा बाजी क्या मैं थाने दिखा दे रुकेड़ा तो मैं फ्लेट कमाई ना और वो सामने है कौन सो आर के टावर अठा सामने जी मैं डायमंड बापड़ी ब्लैक ब्यूटी घड़ी अंकल जी सुबह सुबह मजदूरी के ऊपर निकल गया ही 10:30 हो रखी है जल्दी में जल्दी अपन रवान के लिए अपन जानो आज झुंझुनू झुंझुनू जिलो कवर करनो है रामगढ़ वगैरह जो भी है बीच का मैं नवा दत्ता रामगढ़ जो भी जिया भी आवा लेकिन अपन 50 जिला है ना तो पूरा कम्प्लीट करना है अपना मैं तो एक दिन भी मिस कौन करना है तो बोलो जय श्री राम अक्कड़ पकड़ बम्बे बोर्ड 80-90 पूरे 100 दिन का चैलेंज का मैं आज आप दूसरो दिन 4 समोसा और 3 कचोरी जना का 1 2 3 चार कोई आ चटनी कुछ मिट्टी है धूप छाया हो रही है इन्हें धूप आ रखी है इन्हें छाया हो रखी है वो है सामने नेचर पार्क अबार मैट क्यों आयो क्योंकि अपने भाई जी यहाँ अपनों मिलने का था जय श्री राम आओ मैं नाओ फिर वे कमेंट करे जी का कौन है कि एक जेट कटवा दियो क्योंकि दाढ़ी अच्छी सूट हो रही है सामान छटो छलो देख लिया अपने कड़े ही रहने जाओ कोई चीज ए अल्लो इतो बड़ो बाथरूम है कोई कसूतड़ी लाग कोई टाबर वरिक मैं ना न बढ़ जाओ मैं तो पाँच छह घन कर जाओ काट नो पड़े टांगने पकड़ रही है बाइक तो नहीं चलानी है बैग में पकड़ ले सुधो ब्लैक ब्यूटी वालों मीटर है ना वो सही करने लाग रही है और ये देखो चरुकिया देखने लाग रही है कितना रुपया खर्चो है मतलब थारंदा जो लगभग लगभग कितनी चाल सके पूरे राजस्थान को टूर करा जाना कितनी चाल सके मोटरसाइकिल कितना 1000 किलोमीटर चाल सके कितनी चाल सके भाई 30-40 हजार किलोमीटर ये तो मीटर लगा देवे तो रवानगी लेवा कितना दिन तक खराब को नहीं हुआ मीटर 10-12 हजार हाईवे कड़सी का सी 1000 मीटर की दूरी बाद में आ जैसे झुंझुन रोड मिल जाएगी सीधी फिर मिलेंगे ब्रो फोन करो कभी विवान ने लेने जाओ जय श्री राम जय श्री राम ब्लैक ब्यूटी चले डी अपनी 22,351 किलोमीटर चले डी है और लोहा से अटके समथिंग 50 किलोमीटर तो है चूरू और चूरू का मैंने घूम लिया 15 किलोमीटर अब देखा पूरे राजस्थान का मैं कितना किलोमीटर चला मैं कतरा ट्रेन चलाने की 25,000 वोल्टेज चले अपन तो यही क्यों रोड छोड़नी ही होनी फोन कर पूछ किस एजेंसी के भाई हाँ कौन सी लोकेशन बताई थे मैं जीता लो सीन अटो के अटो के सीन बताओ दे अमीर खान बैठे हो कौन सो सोंगे लारी 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 और अभी ने अलीश यादव आयो ने तो अभी तक टोटल कता गिरा गया है थार अंदाज देखो राजपाल जो कॉमेडियन है एक तो राजपाल यादव आगो एक साउथ को एक्टर गोपी चंद है वो आगो सलमान खान आगा आमिर खान और कौन कौन आगा संजय दत्त आगो शेफ अली खान आगो पंजाबी एक्टर भी तो आगा पंजाबी एक्टर एल्विश आगो सिस्टम भी आगो इलविश यादव को जो नयो सॉन्ग आ रहे ने बी की शूटिंग अठा वोटी बताया वो दरवाजो एक महीनों निकल का आवा है और बाकी गलिया गलिया का सीन है अड़े ज्यादातर मंडावा का मैंने हिलिया लाची थाने पुरानी पुरानी बहुत शानदार तरीके से कलाकारी करेड़ी है आ चीजा के ऊपर आए और थे कह तो सको के सलमान खान ने मेड़ो गाड़ो बगायो बाणो बगायो केस को भाई साहब सिस्टम ने बुला लियो अभी रवानगी लेवा सिस्टम अठा रूट गया तो आप भी आ गया अठे बाकी शानदार जगह है सच्ची के मानी पुरानी चीज है थोड़ो सो मारो ही लियो है समझ मान चाहे राजस्थान में जीवित हाल मरिया को नहीं तार सब लोगों को धन्यवाद जिको थे मान मंडावा घुमा दिया थे भी दिखो काल चलो जय श्री राम जय श्री राम के वगैरह की रुकया की शूटिंग होड़ी बतावाड़ी ने राजस्थान मांगे हनुमान रामगढ़ आओ तो थे स्टोरी लगाओगा राम कौन सो है मैं तो मलिक जोधपुर से जोधपुर का मिठाई वाला प्राइगर प्राइगर जोधपुर का यहाँ करें मंडावा घूम लिया लेकिन मंडावा में रुका होने क्योंकि माने रुकनो है आज रात में झुंझुनू जाके और एक बात है राजस्थानी भाई बंधु है जी का सच्ची में बहुत प्यारा हुआ है वो मानो फिरानो या अडेग ले लो आपके ऊपर भाई जी लो मेरे साथ चलो मैं दिखा के लूँ थाने मैं बताऊँ थाने पूरी एकदम डिटेल से गाड़ी समझावेगा अडे फिल्म की शूटिंग हो रही है अडे गाने की शूटिंग हो रही है जना है तो राजस्थान को टूर कर रहे हैं आपकी यात्रा मंगल हो लावड़ी का लावड़ी सभी गाँव कौन सो बतायो वाहिदपुरा लाग रही है ओला पटन लाग रहे सेठ आज पूरे दिन का मैं जितना भी दुख पाया नहीं तो बा अपनी सफल हो गई है अब बारिश आ गई एकदम ठंडो मौसम हो गयो तो अभी रवान की लेवा आटो बारिश होने के बाद मौसम हो गयो एक नंबर
बम्पर तरीके बारिश पड़ने लाग रही है, थोड़ी सी दूर चल जाए तन पाछी बारिश शुरू होगी। आगे तेज आसी जना रुक जिसा नहीं चलता रे श्यापा। अब बार पूरी पांच हुई है, यदि बारिश बीच का मैं नहीं आसी जना तो मैं 15 मिनट का माइन माइन है नहीं झुंझुनू पूग जिसा अंडावा से रवाना हुआ बाद का मैं दो बार बारिश आ गई बीच का माइन। झुंझुनू पूग गया और मैं डीगन लाग रहा है, एक भाई जियान लाग रहा है, बाइक खड़ी है ये आरजे 44 है ना। हाँ आरजे 44 घूम ले फिर ने जना एक कोई कमरियो दे दिया ताकि एडिटिंग कर सका। भाई बढ़िया जगह नहीं कौन चल रहा है हरियाणा का टच कमाई ना आ गया तो और बारिश मन लागे को नहीं कठम सी। ए गाइस हम डोलते डोलते यहाँ पूग गए हैं, नहीं खावा जा जिंदा क्या रहा फिर रोटी रोटी तो खावा ही है भाई। बात दादा जी सागे नाना सागे 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 सलाम नाना सागे ज्यादा चल रहा है दादू ज्यादा और की डक्को सो के बिलावा हुई नहीं लेके जाता है तो डोस हो गया रो। जय श्री राम जय बालाजी महाराज भयागा सागे गाड़ी में वेट कर रवाना हो गया और ब्लॉग चालू करते हैं ये गाना चालू कर दिया ए कोई ढंग थोड़ी हुए अभी आप चालन की नहीं लग रहा वो है के चीज तो बता दो मैंने सीन तो भूतरे नाड़ोस होगी है रानी रहती हूँ तेरा आंख में पानी खटों पर आया करता ए जी का नलका सा रखा है दोनों साइड का मैंने आम की पानी आया कर दोगे वो रानी वालों सेंट तो हटे पड़े हो यार तो मैं सोचो मन लाग रही है सही नहीं लाग रही है उनको भेजा अड़ंगो बाखो आड़ती ले रहा इन कटवा यार। मनसा माता को मंदिर है ऊपर पहाड़ी के ऊपर सामने भी पहाड़ी है और सुल्तान का दाढ़ी है जकीन लोग कटान खातर कह रहे हैं यार वो भी बड़ो सर कोई किलो भी अड़ेगा तो लो वाले जितो बड़ो तो कोनी बन फिर भी ठीक है माले का मैं बड़ो है चपला आटे खोल दे वहाँ वो अड़े पहाड़ी के ऊपर मंदिर है अठाया बाद का मैं लगभग लगभग झुंझुनू पूरे दिखने लग रही है इस साइड को भी दिख रही है और इस साइड को भी दिख रही है और अटो पहाड़ी भी दिखने लग रही है पहाड़ी के ऊपर ही वो मंदिर है मनसा माता की मूर्ति है मैन पहाड़ी के बीच का मैन रानी सती मंदिर वो सामने की साइड का मैन भोलेनाथ जी को मंदिर है जय भोलेनाथ। ऊपर जाने के लिए कितनी 300 पेड़ी है इतनी ऊपर पहाड़ी के ऊपर आकर अंकल जी अड़े एक्सरसाइज करने लग रही हमारे बठिन तो जहाँ सत्ती जी के दाद वगैरह जवा नहीं जाना। हाँ पिलानी की अभी टेम माने बोला जना क्यों रानी सती मंदिर को रुक क्या थे ऊपर चढ़ाई करी और पाछा उतर नहीं जता नहीं पसीनो आ गयो लेकिन ऊपर पहाड़ी के ऊपर जाए बाद गमन जी की ठंडी हवा को आनंद होनी वो थे फील कौन कर सो सिर्फ मैं ही फील कर सका मीन। रानी सती मंदिर अठों लेकर बढ़ तक ठेठ तक को है अभी मंदिर न देकर थे अंदाजो लगा उसको हकीकत का मैंने विश्व को सबसे बड़ो मंदिर है सती माता को और माइन को नजारो देख सको एक बार के लिए थे कि तो सुंदर है बहुत बड़ो है मंदिर यारो माइनो भी इतनी दूर चला कर माइन आने के बाद का मैंने वो है मेन मंदिर है एक मैंने कैमरो लेकर जानो अलाउ को नहीं माइन फोटो वीडियो करना तो अलाउ को नहीं हो लेकिन माइन से मंदिर इतो सुंदर हो जद भी थारो झुंझुनू आने को काम पड़े नहीं तो थे एक बार के लिए जरूर आया अठे दर्शन करया तो आप अभी घर का नहीं रवानगी लेवा अब घर चलो ची सीधा चमने के बाद गमाइन झुंझुनू लगभग लगभग यहाँ मान लियो के गणकरो घुमा दियो भाई जी अपने इन माइन बांट देवा गयो नाम की है तेरो देरी नाम है तेरे तोता बोल से कहाँ पा गया चिटकले आए अभी खाना वाना खा लेवा फोन ने लगा दे चार्ज ओके भाई लोग तो बड़े हुक्का पीन लग रही अब यार खाना वाना खा के फ्री हो गया अभी आप एडिटिंग कर सियां झुंझुनू मैंने लगभग लगभग तो घूम लिया बाकी कल सुबह और देख सियां तो आज कब लोग ना आप आठे समाप्त करा वीडियो पसंद है तो लाइक और शेयर और कमेंट कर दिया।